तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, नहीं मंदिर खुद पूछ लो, वो तो नहीं करेंगे, कुछ तो निकला ही इसके बाद। हेलो ठीक, चलो थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा तेजी बोलना हमको भी, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, मतलब आवाज तेज है बट माइक का काम तो पकड़ना है, वो ऐसे ही है तो नॉर्मल आ रही है। चलो शुरू करो, स्वागत करें फिर, कर दे वेलकम है। और भाई आज हम लोग ऐसे मां बन जो यार उन लोगों की, क्योंकि डेली अच्छे से सुनते हैं वो लोग, तो भाई वेलकम है। आज जो स्वागत है वाला लाइव स्वागत है ये थे वो माइक टेस्टिंग क्या कर दिया तुम, तो फॉर्मेट ही चेंज कर दिया पूरा। चलो भाई, तो भाई स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे, और आज हम लोग नया प्लेयर लेके लॉन्च कर रहे हैं, नया खिलाड़ी आया है, बताना है कितनी गालियां दोगे इसको क्योंकि और तो कुछ मिलने से रहा, और कोई मतलब तुमको हक है इस चीज का कि तुम्हें कुछ और ना मिले गाली दो ठीक है। तो भाई क्या लेके आए फिर आज? तो गाइस इंट्रो कुछ आज हम लोग ऐसे ही रहेगा ठीक है। तो पहली चीज तो एक प्रमोशन जो रहता है हमारा वो मैं कर देता हूँ कि एक चैनल है जो व्लॉग बनाता है, तो मेरे ऊपर आ रहा होगा उसका वीडियो के एंड में मैं लगाऊंगा लास्ट में चैनल का, तो उस पर जाकर क्लिक करके देखो, व्लॉगिंग स्लॉगिंग कैसे मजे मचाती है लोगों ने। बाकी फिर जैसा कि जानते हो हमारा फॉर्मेट सिर्फ गलती निकालनी है, तो हम लोग लाए हैं आज इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड जिसमें उसका बाप आया है तन्मय भट्ट, जिसका वो तन्मय भट्ट और वो और रघु रघु मच्छर की जाट ठीक है। तो हम लोगों ने और भी एक लोग होंगे, तो सबसे मेन चीज कि समय के पापा आए हैं उसपे, और साथ में इन लोगों का ये भी सुना है कि चोपे पे मारते थे, चोपे इन द सेंस समय तन्मय भट्ट का लेता था पहले, हाँ मार्केट में आने से पहले इन द सेंस उठाता था ठीक है। फिर जब थोड़ा रेलेवेंट हो गया तो साइड हो गया, तो ये चीज तो तुमने उसमें देखा होगा वो वाले शो में क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत जगह बोला गया यार, तुमने वो तो बोला गया प्रिटी गुड दोस्त तो देखा है उसमें, ये एक में गया था तो उसमें ये बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग सिर्फ यही मेरे लिए बोलोगे, कुछ नया नहीं लेके आए हो, ये सब बोल के ये स्मार्ट बन गया था। बट भाई जिसका लिया है तो आदमी वही ना बोलेगा, और अलग से किसी के थोड़े ना बोलेगा कि तुम उसका भी ले लिए हो, तो ऐसे ही है। अभी देखो लास्ट एपिसोड में उसको लाया था करिए को, जो वो था अफ्रीकन या कुछ भी था जो आया नहीं था, वो समझ गया। अब उसका लेने लगा होगा, हो सकता है जो सब पसंद आ जाए, अब हम लोग बोल सकते हैं अपनी अपनी पसंद है घर से ये बोल। हाँ क्या बात, हेलो हाँ भेज दिए थे उसी से रहना है चौबीस घंटे के लोकल में। तो भाई तन्मय भट्ट, हाँ तो भाई स्टोरी समझा दी है इसको, कॉल आ गया था वो सब तुमने देख ही लिया वो कैमरे में डाल देंगे तो तुम लोग के नहीं क्लिप्स ठीक है।
बता दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है, तुम्हें लगेगा स्क्रिप्टेड है बट इसने अभी तक एक भी ऐसा हाँ, लेटेंट नहीं दिखा है, और प्रीटी गुड रोस्ट शो भी इसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, जान रहा है उसको शो आया ये भी जान रहा है बट देखा नहीं है, तो आज देखते हैं कि ये क्या, इसको पहली बार देख रहे हैं तो कैसा रिएक्शन रहेगा फर्स्ट इसका। टाइम फीडबैक जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, और ये तो बहुमूल्य फीडबैक है, हाँ जबकि हमारा काम है नेगेटिविटी फैलाना तुम लोगों के कंटेंट पे, फेवरेट वालों के। ऐसे नहीं, नेगेटिविटी ऐसे नहीं फैलाना चाह रहे हम लोग, तो देखते हैं क्या ये आज कबूतर छोड़ेगा सब सफेद वाला। सफेद वाला कबूतर ही छोड़ते हैं ना पीस के लिए, इसके लिए या डोव छोड़ते शांति के हैं, लिए, डव नहीं, कबूतरी। कबूतर ही उड़ा जाता है गाइस। ठीक है, तो शुरू करें फिर, चालू करो फिर, चालू करो। लेकिन क्या पता अभी कमेंट में बोले नहीं डब ही होता है। डब वो तो लगा लेना। ये पहली बार किया है फ्री। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट। ये ऐसे का देखा है। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो। इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो। खाना पीने के लिए पूरा करता रहता है। कोने-कोने से लोग ये तो अच्छी चीज है। लेकिन अभी बजट थोड़ा सा, पहले पैसा नहीं आता था, पैसा आ गया तो टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी फिजिक वाला लगा क्या, वैसे ही लग रहा था। एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा। ठीक है, समझ गया। टिकट सेल्स का सारा पैसा, मतलब बिल्कुल वो है कि किसी का जो है शो से हमें पता चलेगा कि इसमें तुम्हारा वो टैलेंट क्या है। वो गया आपने वो जो नंबर होता है अपने लिए इतना मिलेगा, वो है विनर। जो ऑडियंस या टिकट का जो भी पैसा है वो ये लोग विनर को देंगे। कॉन्सेप्ट के सही है क्या, जो लोग लोग जिस चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं वो विनर को डायरेक्टली, पर अगर स्पॉन्सर मिलता तो फिर स्पॉन्सर से पैसा लगता, तो ये तो भाई बीच ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रघु मेरे भाई, आ जाइए। भाई रघु भाई कहाँ है? तो बहन छोड़ते नहीं, मतलब ऐसे लोग जो बोलते रहते हैं कि गाली दे के फेमस नहीं होना अच्छी बात नहीं है, तो भाई रघु को ये भी सी रोडी में गाली देते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर द पैनल मैन, कम ऑन। अरे अपने पापा से बात नहीं किया, हमने पापा का एक लेक्चर ले लिया। शो टू बिगिन मेरे भाई। रघु भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एक बार जोरदार तालियां रघु भाई के लिए यार, कम ऑन। चीयर्स। उसका पापा गुस्सा हो तो रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। हां जी। हुआ क्या कि पिछली बार मैं और तन्मय एक साथ आए थे तो काफी, अब हम पे 15 पुलिस केस है, 15 पुलिस केस। सर प्लीज 16। ट्रांसफॉर्म हो रहा है तन्मय भट्ट, तो करण जोहर बनना चाहता है आगे चल के, वैसा लग रहा है ना कि करण जोहर ही बन जाएगा। फेस पतला होते जाएगा तो उसका सिमिलर फेस हो जाएगा करण। तो भाई हरकत तो है ही ना, ये और समय लोग लेना देना भी तो करते हैं, तो ये चीज होगी। तुम पूरा एकदम प्रेफरेंसेस है तो भाई ये बाय लुक वैसा क्यों बनना चाहता है, जैसा था वैसे नहीं करता। वो उसको आइडल मानता होगा ना भाई, तो छोटा पड़ रहा होगा ना, मुंह में जाता है इसे, तो पतला हुआ है, बड़ा हो गया देगा। नहीं भाई, अपना आइडल जिसको मानते उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं ना सब। बट रीजन पतला होने का ये है कि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, मोटे लोगों का चर्बी आ जाता है ना आगे, तो उसको दे नहीं पाता होगा मुंह में सही से, बड़ी दिक्कत समझ रहे ना, वो दिक्कत है उसके लिए होगी ना, समझे। शुरू करते हैं गाइस, इट्स अ प्रीटी गुड रोस्ट शो ऑफ समय रहना, चलो गाइस शुरू करते हैं आगे। भी है यहाँ पर। Is she here? Natalie, are you here? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम I'll tell you. I love you, baby. आज जो भी होगा ना डरना मत. Don't be scared of me or anyone here, okay? अच्छा आज आपका असली रूप देखेंगे वो। Fingers crossed. अगर मैं भड़क रहा हूँ तो शांत रघु ऐसे बोल देना, ठीक है? Calm me down. Don't encourage me. आज भी मैं और रघु स्टेज पे, तो केस तो आने वाला है डिवोर्स का। फिर हिंट दिया कि रघु का डिवोर्स करा के अपने साथ लेगा तेरा। तन्मय भाई मेकिंग मी लुक फैट। अरे कल ही मैं किसी को बोल रहा था, यू नो आई ऑलवेज न्यू मैन, वन डे समय वुड बी बिगर देन मी, लाइक हाँ मोटा तो लग रहा है आजकल, लग तो रहा है।
Love you so much, Baitan mein bhai. Kaise lag raha hai? Kaise? How are you feeling, bro? You're losing weight. Everything's going well. Everything's going well. But I'm very, very happy for you. Bhai, samay rana ke liye taali. Level in this is normal. Na to bol. Very, very happy for you. Very, very excited to be on the show. Or I just think it's cool that Sid Warrior is here because yeah. This is a show where first mental patient comes and then he fixes them. Is that it? Main wahi keh raha hoon ki मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है एक न्यूरो साइंटिस्ट का दिमाग फ्राई होते हुए देखूंगा मैं नहीं गाइस डू यू नो सिड वॉरियर यस सो ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट ये यूट्यूब पे आते हैं इज अ यूट्यूबर आल्सो ये यूट्यूब पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि दोस्तों सोशल मीडिया मत यूज करो दिमाग खराब हो जाता है उससे See, this goes to show that the more successful a comedian becomes, the more in need they are of a doctor. I'm glad to be here. Thanks for having me. And lawyer. And we also need a room for no rent. So we have Balraj guy. Balraj will be fine. Hey, who is it? Balraj. He is the space owner. What's up, you guys? Really? You know, I think that Samay has solely, for the very specific reason, created this show. Just so he can be a judge on some panel. Comedy to kharab hi aapki, but theek hai. Should we begin India's Got Latent? Raghu bhai, genuinely, aapko ye show mujhe to uska baad wala jo joke wala wo apna I'm enjoying it. I really jis tarike se main soch ke aaya tha waisa nahi hai. Maine show dekha nahi hai mujhse, but I want to tell you it's more entertaining than that. Jahan main entertainment mein gaya aur talent se ye aapne latent naam bada sahi rakha hai. Main galti se meri jo galat fehmi thi show ke bare mein aur talent ke bare mein wo saaf ho gaya, and I'm really enjoying myself. This is an amazing show. Thank you so much, my bhai. I love you so much. Alright, so अभी सब enjoy कर रहे हैं. Now let's change that. Make some noise for Bunty Banerjee. Hi everyone, my name is Bunty. वैसे I'm a Bengali but born and brought up in Bihar. नहीं पापा watchman नहीं है. बिहार वाले इधर तरह वाले तड़ीपार होके बिहार चली गई. But the problem is being a Bengali born and brought up in Bihar. कंफर्म करो. That whenever गई है कि लाइफ सिचुएशन द बंगाली इन मी स्लीप्स. बिहार में लड़के उठाए जाते हैं शादी के लिए लड़कियां नहीं. No, you must be thinking it. Why the Bengali sleeps? उल्टा ही है उन लोग. Because that's what they do. लोग लौंडे किडनैप. Any Bengalis in the house? सो रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं, थक गए होंगे ना कैंडल मैच करते करते. बट सोने से याद आया, आई एम अ मदर. आई हैव अ 2-year-old एंड दैट्स एग्जैक्टली द टाइम फॉर विच आई हैव नॉट स्लेप्ट. नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड, लोग बच्चा होने पे कंग्रेचुलेशंस क्यों बोलते हैं? उन्हें ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए. ऑल द बेस्ट, आपकी फटने वाली है लिटरली. ऐसी लगा था फीका कैंडल मार्च से इसने शुरू किया फिर खराटे मार रहा है. That is when the Bihari in me wakes up. Hey ji, uthiyega. नहीं उठ जाइए, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे. ये भी बिहार जाके सीख गई है लौंडे को
क्या बात है भाई, आपने उठाना सीख रहे फीका, सडनली गॉट सो स्पाइसी जस्ट लाइक द वॉक टॉक एवरीबॉडी जस्ट लाइक वॉक टॉक भाई, ये नूडल्स बेस्ट है यार। अरे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। एक बार जोरदार तालियां बंटी जी के लिए यार, बहुत ही सही यार बंटी जी। कब से कर रहे हैं आप ये? तो मैंने एक्चुअली बहुत लंबा ब्रेक लिया आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चा एंड ऑल, बट वेरी ऑनेस्टली समय आपका शो देखा था 6 सितंबर एंड देन आई थॉट दैट आई शुड रीस्टार्ट, तो तब मैंने लिखा एंड वाओ अच्छा जी बढ़िया जी। सो यू जस्ट रिसेंटली यू गॉट द मोटिवेशन, इतना जल्दी लिख लिया आपने? तन्मय भाई आप भी लिख लो यार अब ये इंस्पिरेशन लेके यार। तन्मय भाई का स्टैंड अप स्पेशल बनता है कि नहीं अभी यार? बनता है इतना सारा काम हो गया भाई, मतलब बीच में फ्लिक्स ने भी तो रेलेवेंट रख रखा था, घर पे छोड़ के वो नहीं होता फिर तो चला ही जाता। नहीं नहीं हस्बैंड आया इधर ही, दोनों बेटी छोड़ के, क्या बात है हस्बैंड ये आपके, बहुत ही सही यार, क्या प्राउड हस्बैंड है भाई। नहीं तो देखो कितने अच्छे सपोर्टिव हस्बैंड है, तो आजकल जो भी मेरे दोस्त में हस्बैंड है ना भोजली के, आधा टाइम मेरे साथ ही रहते हैं अपनी बीवी छोड़ के भाई अभी ये लेगा तो लोगों के भाई इनकी बीवी ना प्रेगनेंसी के पीक पे थी, ये मेरे घर पे प्लेस्टेशन खेल रहे थे हेलो गोल होल इन वन। वैसे चांदनी इज आल्सो हियर, चांदनी आई लव यू बेबी, thank you so much for mothering 2 kids going through 3 kids while your husband is shifting mics for djembe players the things mothers have to do man wow Bunty I really loved your act, I loved it, thank you. Congratulations, she's amazing. Bachcha kahan hai? घर पे किसके साथ? मम्मी पापा के साथ। ओके 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 बहुत ही सही यार। पता है मेरे पे ये बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म है कि आप लड़कों के पे चढ़ जाते हो और लड़कियों के साथ आप इतनी स्वीटली बात करते हो, बट लुक एट द डिफरेंस, मेरी क्या गलती है यार? एक्चुअली आई वांट टू आस्क कि सी यू, आपने समय का शो देखा एंड यू गॉट इंस्पायर्ड टू डू स्टैंड अप अगेन, व्हाट डिड यू वॉच टू गेट इंस्पायर्ड टू बिकम फादर? आई कैन गिव दैट आंसर, ही इज आल्सो अ कॉमिक एंड जब से हम लोग मुंबई आए थे तो मेरा सपना था कि मैं स्टैंड अप करूं, जब से मुंबई आई हूं तब से प्रेग्नेंट थी ब्रदर। ये आदमी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है तुम कंटेंट लिखते जाओ, मैं परफॉर्म कर गया हूं। सो यू गॉट अ मदर एंड अ स्क्रिप्ट राइटर एट द सेम टाइम, वेरी नाइस। तो इनके जोक्स आपने कोई परफॉर्म किए हैं अभी तक? नहीं इसलिए इतना किल किया आपने आज भाई। इनका अगर एक जोक हम सुन ले भाई, इफ यू डोंट माइंड लेट्स गो भाई, देखते हैं आपका कुछ इन्फ्लुएंस इन पे हुआ है कि नहीं। नहीं मैंने भी एक्चुअली लिखा था, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, इतना प्रिपेयर नहीं किया, बट बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज मेरी मत मारना सर, ये थोड़ा भाई एंटी फेमिनिस्ट टाइप कंटेंट है। लड़की पीछे तो करी थी ऑलरेडी आपने। सर पहले आपका नाम प्लीज बता दीजिए। आदित्य। आदित्य सो शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी फेमिनिस्ट है और मैं नहीं हूँ। बोलने लगी सरनेम चेंज नहीं करूँगी, तुम्हें भी मटर छिलने होंगे। देखो बचपन से ना मैं घर का काम नहीं किया हूँ, माय पेरेंट्स रेज्ड मी लाइक देयर ओनली चाइल्ड, मटर छिलने के लिए दे हैड अ डॉटर। सही भाई, एक तो आप सुनो, पढ़ रहा है बहन को, अपनी बहन से जब भी बात होगी तो मैं इसी टाइप पे एक जोक मार के आऊंगा उसके ऊपर, यही बोलोगे अगर वो काम आपके लिए ऐसे बोलती है ना, ये करो वो कर लिया करो ये कर लिया करो, देख लो गाइस इन्फ्लुएंस तो कितना खराब शो है, क्या इन्फ्लुएंस मिल रहा है, अब जाके फैमिली में उल्टा बात करना शुरू करेगा, जाके जोक मारूंगा, बोल रहा है मारूंगा क्या बोल रहा है, अरे नहीं भाई देख लो भाई
एड्रेस चाहिए क्या? चलो मुझे लगा शादी तोड़ दे क्या, फिर लगा नहीं यार बहुत खर्चा हुआ था मेरे ससुर का। This is the best part. Behind every feminist daughter, there's an Indian father who's ready to pay the price. तो मुझे भी अपना पॉइंट रखना था, तो मैंने उन्हें कर दिया प्रेग्नेंट। अभी देखो प्रेगनेंसी और फेमिनिज्म साथ ना साथ साथ नहीं जा सकता है, यही बायोलॉजी हम मर्दों का साथ दे देता है। अभी उसका सब खत्म, उसके दो ही ऑडियंस है, वो और उसकी तन्हाई। अभी जब बच्ची हुई तब मुझे लगा हाँ, मतलब लड़कियों के लिए भी थोड़ा बहुत सारा अनड्यू एडवांटेज है, जैसे उसको मैटरनिटी लीव 6 महीने का मिला, मुझे पैटर्निटी लीव सिर्फ 2 हफ्ते का मिला। अभी 2 हफ्ते में यार यूरोप अच्छे से घूम ही नहीं पाया मैं। मैं ऊपर ऊपर से ही देख पाया, पर ये डिप्रेशन का हर स्टेज को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाई। तो ये मुझे थोड़ा डॉक्टर अपने डॉक्टर की तरीके साउंड कर रहा है भाई। मैं अगर गोदी में नहीं हूँ बिहारी जैसा तो नहीं लग रहा, इसलिए बेचारी को दिन भर रोना बाहर पढ़ाई किया हो। तो ये डॉक्टर जैसे साउंड कर, डॉक्टर जैसे ठीक ही नहीं बोलता साउंड टोन इसकी टोन 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 बाप रे ऑडियंस को एक बार तुरंत तुरंत बोलो। आप दोनों 3 अक्टूबर को क्या बोल के देखो। आर यू गाइस फ्री? Yes, तो yes. मेरा डिवोर्स डॉक्टर का कोई पुराना वो क्लिप लगा दो भाई, व्हाट अ कपल यार, एक बार जोरदार ताली बजाओ ब्रो, यू गाइस किल इट मैन, वाओ। आप बैठ सकते हैं, इट्स अबाउट हर नाउ। तो बंटी जी, हाउ डज दिस डायनामिक वर्क? यू आर अ फेमिनिस्ट, ही इज अ मैन, ठीक है। How does it work? मैं कभी उसके मम्मी पे भी जोक मार देती हूँ। तो उसे तब सहन करना पड़ता है। तो आपके झगड़े ज़्यादा नहीं होते मतलब? नहीं, अब ठीक है। तो आप में से बेटर कॉमेडियन कौन है आपको लगता है? मैंने सिखाया है उसको। Imagine knocking up your own teacher, dude. That's like level of confidence. Like. When you all are in a heated argument, do you all like, to resolve cocking up his own child, cracking a joke? Yeah, I did that initially, but he used to say, "Is pe hasna tha kya? Mujhe to hansi nahi aayi." So then I stopped doing those jokes. आपको दिखा क्या इसमें भाई? ये सब गंदी चीजें कर रहे हैं आपके साथ भाई, एक बार आ जाओ ना वापस स्टेज पे यार, कम ऑन प्लीज प्लीज प्लीज, जरा इनके साथ वो करते हैं अभी ना काउंसलिंग। कि भाई इशू क्या है भाई इधर? तो आपका नाम क्या है मेरे भाई? आदित्य। कहाँ से हो आप? बैंगलोर। अच्छा बैंगलोर से हो आप? बैंगलोर से। वहीं पे वो लड़की है, बिहार बंगाली बिहार। I used to do some sort of public speaking and I was forming a club to do comedy, so I hired him, फिर ट्रेन किया। Wait. yes. Bro, imagine knocking up your own employer, dude. That's kind of fucking crazy. ये इतना बोल रहा है, बार बार उसी को देख। और भी कोई इसका मतलब नहीं है, तुम लोगों के और किसी को ओपिनियन ले, सिर्फ समय से ही बात कर रहा है। knocking up बोल के मेन है उसका, उस पे दे रहा है नॉक पे। हम लोग भी किए थे, याद कर, वैसे करके कर रहा है भाई। जब समय अटेंशन नहीं दे रहा है ना, टेंशन सी कर रहे हो, उसे अटेंशन चाहिए। I love mountains. You love it, right? I am a mountain person. One extra point for you, boy. तो यार देखा ये गोल इन लाइफ, तुम सांड में बैठा लोगी आज प्रेग्नेंट अगेन रघु को, बिकॉज़ प्रेगनेंसी हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। क्या हो गया मतलब, शक्ल बच्चे की उन पे गई है? नो द एंटायर आई डोंट नो पीपल, पोस्टपार्टम इज वेरी डिप्रेसिंग, मतलब जिसका जिसका भी ब्रेकअप वाला डिप्रेशन होता है, दे शुड गो थ्रू द प्रेगनेंसी वाला डिप्रेशन, भूल जाएंगे। बट हाउ वी कैन गो थ्रू प्रेगनेंसी ना यार, लेट आपकी बीवी तो होगी सर, तो उसको डिप्रेशन में डाल दूं मैं?
मुझे फील करना है डिप्रेशन तो मैं क्या करूं? उसको देख देख के आपको भी होगा। अच्छा तो हाँ। इसलिए तो यूरोप चले गए थे वो फिर। वन स्ट्रेंथ योर हस्बैंड्स बैंक बैलेंस। ही इज रिच। क्या दिखा बंगाली है ना, टोना टोटका करके डरली। ये लोग तो करती है सारी लड़कियां वहां, लेकिन समय के हिसाब से तो इसको टोना टोटका की जरूरत नहीं पड़ी। समय के हिसाब से लड़का तुम बताओ। नहीं नहीं मुझे सोचना पड़ेगा, तुम्हारे पास तो टॉप ऑफ द माइंड हो। ओहो हो, स्मूथ, वेरी स्मूथ। उन्हें याद करना पड़ेगा। बहुत कंजूस है, बहुत पैसे इसके पास, पर हर एक रुपए के लिए बहुत हिसाब लेता है। स्प्लिट वाइज रखते हो आप दोनों? हाँ, घर में एक फर्नीचर आता है तुरंत 50% 50% डाल देता है स्प्लिट वाइज में, तो फिर मुझे भी भरना पड़ता है। सो तो आप ही को बनना था ना फेमिनिस्ट, पर आप नहीं कर रहा ना। या सही दिया। बुक तो अभी बंगाली लड़की अपने जादू से रियल लाइफ। हां मतलब लगा था कि शायद घोस्टी है, पर हु वाज इट? आई डोंट नो, मतलब मैं और मेरा भाई ऐसे कंप्यूटर में गेम खेल रहे थे, सडनली वी सॉ परछाई। बट द प्रॉब्लम इज आजकल मेरी बेटी को भी दिख रहा है, तो रात को बोलती है मम्मी वो आंटी आंटी इधर आओ ना, like that she says. So I'm just hoping it's not the same auntie. Do you believe in ghosts, guys? I mean, my career came back from the dead, so so how come you are not scared? It's a pretty scary thing, yaar, that you're seeing ghosts. Your daughter 2 years is seeing ghost. I mean, I don't know, she just speaks, it's an imaginary friend. So bhai, aap jab aap ghar se nikalte hain bahar kabhi? Haan. तो तब कोई और तो नहीं आता है? वही बुरी है बच्ची को। आपको इन पे शक तो नहीं होता कभी? नहीं 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 ना, क्या इनोसेंट हैं आप। हमें पूरा लगा हुआ है बहुत देर से कि दीवार आंटी आंटी। अरे भूत दिख रहा है इसको। बेबी भूत है, बेबी भूत भूत। योर डॉटर कैन स्पीक अभी? हां वेरी, शी इज वेरी क्यूट, speaks really cute things. Kya bolti hai? What was her first word? First word, I think she said papa. And second word, auntie ke saath hai. Bro, I would love to speak for some more time with her, but we are running out of time, man. Yeah. But पूरा लगा हुआ। Go to some. भाई किसको बुलाना होता है जब ऐसे भूत दिखता है तो? पैरन रणबीर अलाहाबादिया। तुम सही भी यार। रणबीर अलाहाबादिया। ये जोरदार तालियां फॉर बंटी जी यार। Fuck, I hope she wins, dude. I hope she wins, man. I hope she wins. तो I have given you a 9. 9. 9. 9. Okay. Yeah. 9.5. 8.5. So that makes your average 9. 9. All right. 9, 9. Let's go! So, मतलब जो इसका प्राइज मनी अगर एक से ज्यादा जीत तो स्प्लिट हो जाएगा। चार विनर तो उसी में डिवाइड होकर चार। ठीक है, so good. Thank you. Wow, it was good. I just came to take a selfie with you. Kya cheez? Main sirf aapke sath selfie lene ke liye aayi thi, ki baaki sab is like a bonus. Kya baat hai, it's like you came for one thing but you got 6 things, just like the walk talk. Where there are 6 flavor, 5, sorry man, joke chhut gaya. कोई नहीं यार, वॉक टॉक डाल दे भाई अभी। तो ये आपको अब एक चॉइस दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आइदर यू गेट 1 लाख रुपीस फुल्ली और यू गेट 1 ईयर वर्थ ऑफ नूडल्स। जेन्युइन पर्सन भाई, सच्चा जेन्युइन पर्सन। पैसा ही
हाँ तो भाई तुम बताओ कैसा लगा? एक घंटे का एपिसोड शूट किया हमने, है ना? तो एक घंटा ये क्या वर्थ इट है हमारे? मतलब मेरे को तो ठीक लगा, ठीक लगा। हाँ मतलब एंटरटेनमेंट के उससे अगर मैं देखूंगा वर्थ इट, मतलब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं काउंट करेंगे, एज एंटरटेनमेंट देखा और नहीं, एज एंटरटेनमेंट ही पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, भाई मेरा तो प्रोडक्टिविटी वर्थ इट था, ऐसा कुछ नहीं। पर मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये सबसे मस्त तो नहीं निकला मेरे लिए। सबसे मस्त पैनल, अब मैं देखता हूँ इसको सिर्फ उसके लिए कि जो पैनल में बैठे आके जितने भी जज आके बैठे उन लोग कितना एंगेज कर रहे हैं बच्चों। लेकिन रघु ने बढ़िया की, रघु और समय रहना बीच में थोड़ा बहुत वो समय का वो बतार तन्मय, हाँ तन्मय, इन तीन लोग की किए हैं, बाकी तो फिर नहीं हुआ। और तन्मय भी बहुत कम किया, बहुत कम था। अगर पहली बार फर्स्ट व्यू, पहली बार व्यू देखने के बाद अगर मैं फीडबैक देना चाहूँ तो जिस हिसाब का मतलब सोशल मीडिया में चीजें चल रही बहुत सारी, उस हिसाब से इसने एक अलग चीज निकाल के अपने अपने सामने लोगों के सामने रखी है। क्या इस तरीके से भी एक शो बना सकते हैं और वो चलेगा? ऑलरेडी कोई बना हुआ शो है, उससे इंस्पायर्ड शो है ये, इंस्पायर्ड है। फिर भी बात वही है कि कौन इस चीज को हिम्मत करेगा भाई, बहुत सारी चीजें ट्रेंड में चलती है बाहर कंट्रीज में, इंडिया में लाने के लिए वो और रिस्क लेने के लिए उतना होना चाहिए ना हिम्मत भाई। लेकिन इसका शो ना बस वही बकचोदी की वजह से मुझे लगा चल गया वो। बात ये है कि वो उस चीज पे चांस ले रहा है, हम भी लोग भी तो ऐसे बात करते हैं कि अबे किस तरीके से करते हैं क्या, तो हम लोग थोड़ा कॉशियस आते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से अजीब लगेगा, है ना? ये उस चीज को किया यूज देखो, बिल्कुल अनफिल्टर्ड और सही है यार। और ये सब लोग माता जो देखते हैं ना हम लोग का वीडियो, हम लोग अगर जो काम हम लोग कर रहे हैं समय ना कर रहा होता ना तो उन लोगों ने भी चौका मार दी होती है, तो यही सीन है भाई। तो तुम कितना मतलब इस शो को कितना पॉइंट देना चाहोगे? शो को, पूरे शो को? ओके, मतलब मुझे लगा इस एपिसोड ओवरऑल दोगे? अरे मतलब इस एपिसोड को ही। हाँ अच्छा, इस एपिसोड को 10 में से देना होता है कि 5 में से? 5 में से। मतलब मैंने पहली बार देखा है, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जिस हिसाब से इन्होंने हर एक चीज में और स्पॉन्सरशिप में मुझे जो जोक्स लगे, उन्होंने स्पॉन्सर को बोरिंग नहीं किया, जैसे कई लोग स्पॉन्सर रिपीट करते हैं लेकिन वो बार बार करते हैं तो बेकार ही लगता है, बट इसने खराब नहीं किया कि वो भी एंगेजिंग रखा है, उसने बेचा कुल मिलाकर। तो मैं इसको 5 में से 4.5 दे दूं, क्योंकि मैं पहली बार एपिसोड देख रहा हूँ, बट मुझे कॉन्सेप्ट भी सही लगा और सब कुछ लगा, मतलब पसंद आया। बोलो तो भाई, देखो मैं नंबर दू के पहले थोड़ा कुछ बता दो, पहले बातचीत हो जाए। जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे ना, जैसे तुमने बोला कि वो पिछले वाले, हाँ तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब ऐसे नहीं, इससे अच्छे अच्छे देखे हैं उसके। रवि गुप्ता वाला कितना मस्त था, वो रवि गुप्ता वाले में एक तो सब लोग एंगेज हुए थे। रवि गुप्ता की तो अलग लगी थी, प्लस जो म्यूजिशियन आए थे वो वाला क्या नाम है जिसने वो गाना बनाया था, आदमी चूतिया वाला, हाँ वो भी मस्त था। विपुल गोयल भी उसी में था, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जज का बकचोदी देखने, टैलेंट देखने नहीं आ रहे, मोटिव ही वही है कि जज लोग कितना बकचोदी करेगा आपस में और कंटेस्टेंट के साथ, उनका फायदा भी सारे मोस्टली जजेस में स्टैंड अप कॉमेडियंस मतलब दो वैसे वाले, ऐसा नहीं है चेस प्लेयर्स को भी लेके आया है, एक ना एक थोड़ा फील्ड से अलग बंदा रहता है, जैसे न्यूरो साइंटिस्ट था, मतलब सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव है बट उसका थोड़ा अलग चीज पे काम कर रहा है, वो चेस प्लेयर है या फिर न्यूरो साइंटिस्ट जैसे आ जाया, तो इस तरीके से आते हैं लोग। रफ्तार आए थे सबसे पहले वाले में रफ्तार, और उसमें तो इन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था, तो फिर रफ्तार बोल जाएगी एक और कंटेस्टेंट जो जीता है चलो उसको मैं पैसा ऐड कर दूंगा, एक और करवा लेते हैं, तो वो सारी चीजें भी हुई थी, मतलब ठीक है शो, ज्यादा वैसा नहीं है कि बहुत हाइप क्रिएट कर दिया या कुछ, मतलब शो बना ही ऐसा है कि मजा आ जाए, मतलब जो व्यूज इसको मिल रहे हैं वो जस्टिफाइड है। तो भाई मैं नंबर दूंगा इसको 3.5 पुराने एपिसोड से कंपैरिजन कर रहे हो? यस, मैं मतलब शो तो ऑब्वियसली अच्छा है, वो कोई मेरा 3 है भाई, 3 है ना, जस्टिफाइड है क्योंकि इसके खुद ही देखे हैं इसलिए। हां वही तो, सारे फॉलो किए हैं, तो पिछली बार लास्ट वाला नहीं देखा था, इससे पहले वाला जो था दीपक कलाल उन लोग वाला, टाइम नहीं मिला, मैं भी नहीं देखा। तो कितना हो गया 15 में से 4.5 3 हो गया कितना 8 9
4, 3 आठ हुआ, आठ आठ हुआ, मैंने दिए 3, 10, 15 में से 11, 11 हाँ तो बढ़िया है भाई, लौंडा तो पास है। हाँ ठीक है, 11 11 करेक्ट, पहली बार गलत हुआ दूसरी बार थोड़ी हो जाएगा, तो अगला उड़ा उसी को मत देखना बार बार। नीचे नीचे लोग ये ना बोल दे कि भाई मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, तुम मैथ्स में गलत कर रहा हूँ ना। अरे मादरचोद, ड्राइविंग तो कर लेता है ठीक। तो गाइस 15 में से 11 नंबर, हाँ ड्राइविंग तो जेनेटिक है ना, जेनेटिक बायोलॉजिकल सही बात है। तो खत्म करें यहीं पे, खत्म करते हैं भाई, थैंक्स फॉर गाइस, पास हो गए शो के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से बेंचमार्क और बढ़ जाएगा, तो और कट्टर तरीके से हम लोग जजमेंट देंगे। तो इसको ये बताओ, हम लोग एक ही पार्ट में पूरा डालें या 3-4 पार्ट में करके डालें, जैसे कितने टोटल 4 शो हुए हैं। हाँ, तो दो दो एक्टवाइज डाल रहे हैं, देख लेते हैं, अगर 10 मिनट के ऊपर निकल रहा हूँ, 8 मिनट चाहिए हमको, तो मैं ऐसे करके डाल दूंगा, इंट्रो इंट्रो मिला के, अगर 10 मिनट का हो रहा होगा इंट्रो इंट्रो मिला के, तो वैसे ही कर देंगे फिर, है ना। बाकी शॉर्ट्स और गाइस यहाँ पे चैनल आ रहा होगा, उसको देख लेना और उसपे जाके देख, भाई कमेंट पे गाली गलौज तो कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना जो कर सकते हो, बाकी मर्जी है तुम लोगों की, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, चलेगा चलेगा, समझे, चल तो हमारा रहा है, चल तो रहा है तुम लोग, लेकिन लेकिन अपना ओपिनियन दे देना, वो जो भी है मतलब गाली दोगे, ओपिनियन जैसे ओपिनियन के नाम पे आज का ओपिनियन, अगर एक ऐसा करे हम लोग, ये लोग पन्ने में लिख के उसका फोटो भेजे हमें, तो हम लोग वो ओपिनियन देख लेंगे और उस पन्ने को तुम लोग गांड डाल लेना, ठीक है ठीक है भाई, चलो यही पे खत्म करते हैं, चलो भाई सायनारा।